नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। मेरा बूथ सबसे मजबूत जौनपुर के मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दहाड़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे मेरा बूथ सबसे मजबूत के कार्यक्रम में हजारों लाखों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि जो सरकारें 55 साल में नहीं कर पाई, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 55 महीनों में ही कर दिखाई है। वहीं कार्यक्रम में पेश किए गए बजट को सभी के हित में बताया गया। वहीं सपा और बसपा के गठबंधन की बात पर आड़े हाथों लेते हुए सपा बसपा मुखिया पर तंज भी कसा, कहा कि यह सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, इनको अपने स्वार्थ से मतलब है। सपा और बसपा के मंसूबों को जनता जान चुकी है कि यह कुर्सी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आवाम को ज्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत देश को आज सबसे मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जनाधार से सभी सियासी दल घबराए हुए हैं, इसीलिए महाकाल गठबंधन कर सारे बेईमान एक झंडे के नीचे आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुनामी को यह रोक नहीं पाएंगे। समाचार टू जेट के लिए अमेठी जौनपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं हम लगा रहे हैं कहाँ से आए हैं हम जो है सिकरारा मंडल से जौनपुर जिले से आए हैं। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार मिश्रा। बूथ अच्छा कौन सा बूथ है? बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर सर 8 है। अच्छा, और ये बताइए कि आपने यहाँ क्या देखा? सर हमने यहाँ पे सर देखा कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है यहाँ पर रैली हुई और उसमें हमारे भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी आए और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या टीडी कॉलेज मैदान में दिखाई दिया। और एक बार फिर से जो है हमारे प्रदेश में, देश में मोदी जी की अगली सरकार फिर से बनने वाली है 2019 में, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या थी, भीड़ को देखते हुए बस धन्यवाद। कहाँ से आए आप? मैं अमेठी से आया हूँ। और भाजपा में किस पद पर हैं आप? मैं भाजपा में अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी हूँ। अच्छा, आपने यहाँ क्या देखा? मैंने यहाँ देखा कि सन 2014 से कम उत्साह आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जैसे सन 2014 में उत्साह इस मैदान में दिखाई दिया। मोदी उत्साह दिखाई दिया, वही उत्साह आज भी है। और हर बूथ के कार्यकर्ता यही मन बनाकर जा रहे हैं कि मैं अपना बूथ जीतूंगा, अपना बूथ सबसे मजबूत करूंगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से 73 सीट मिली थी, 74 सीट अमेठी को लेकर फिर दिलाऊंगा। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, अगली सरकार मोदी की होगी, भाजपा की होगी। क्या 74 ही सीट पे खड़ी करेगी क्या चुनाव? 80 सीट है अमेठी, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 74 प्लस रहेगी। पिछली बार 73 थी, अब की बार 74 प्लस रहेगी। ये आह्वान मेरे केंद्रीय नेतृत्व का है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने ये कहा, योगी जी ने कहा और माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ जी ने कहा। आप कहाँ से हैं? मैं भदोही से हूँ, सपना दुबे जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की कार्यकारिणी से? महिला मोर्चा और मेन बॉडी में ये महिला। अच्छा, आपने यहाँ क्या देखा? गजब सा जुनून है, लोगों में जोश है और लोग मोदी के और इस बार 74 का अमित भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मेरा वोट। और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और वो भाजपा के अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं है। बूथ के लिए क्या किया है भाजपा ने? बूथ के लिए बूथ अध्यक्ष के लिए क्या किया है भाजपा ने? बूथ अध्यक्ष के लिए भी बहुत सी चीजें योजनाएं आई हैं और वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, वो बूथ अध्यक्षों को बता। भैया क्या नाम आप? अर्चना जायसवाल। अच्छा, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मंडल और सभासद भी है। बताइए क्या कही थी? और सुनिए, चाय रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। बस बस, बहुत हो गया।
देखिए 2017 का चुनाव बीते एक साल मुश्किल से हुआ है और मतदाताओं का जो मन है वो एक साल ज्यादा बदला नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार 17 में थी, 18 में भी बनी है, काफी ज्यादा सरकारों में, 19 में भी बनेगी, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जिसके नेता में रोक के दिखा लो भैया मोहन।